ने मुझे हमेशा ताकत दी है, इसलिए अगर मैं असफल भी होता हूँ तो भी सतारा से शुरुआत करता हूँ, और अगर मुझे सफलता की शुरुआत करनी होती है तो भी मैं सतारा से ही करता हूँ। ऐसी सख्त राय एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सतारा में बोलते हुए व्यक्त की है। कल एनसीपी नेता अजीत पवार ने पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी शिवसेना से हाथ मिलाकर सत्ता में शामिल होने का फैसला किया था। इसके बाद पार्टियों के बीच वर्टिकल बंटवारा हो गया है, जहां इस तरह की चर्चाएं पूरे राज्य में चल रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सतारा के कराड़ में दिवंगत यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर जाकर पार्टी को नई ताकत देने के लिए गुरु पूर्णिमा का समय चुना है। उनकी पार्टी सतारा आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सतारा ने मुझे हमेशा पार्टी की कई समस्याओं को माफ करने की ताकत दी है। इसलिए उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मैं अपनी पार्टी का नव निर्माण सतारा से ही शुरू कर रहा हूँ। हा त्यांचा अधिकार आहे। मी स्वयंच्या विरुद्ध नाराजी त्याने कुछ साचीने कुछ किया वो ठीक नाही, मगर इसके लिए देश विदेश होने रख कर मैं कभी राजनीति करता नहीं। NBC न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।